नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मोस्ट यूनिक। दोस्तों आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है ये वायरलेस माइक। दोस्तों अभी तक जो मैं माइक यूज़ कर रहा था वो बोया का बेसिक वायर्ड माइक है और इस समय भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ ये वीडियो बनाते समय, बट अब मुझे अपग्रेड करना था और मैंने सर्च किया नेट पे तो बहुत महंगे महंगे माइक्रोफोन मुझे दिखे, जिसमें कि बोया का भी एक था काफ़ी महंगा था, बट मुझे अपने बजट में थोड़ा सस्ता माइक्रोफोन चाहिए था तो इसीलिए मैंने इस माइक्रोफोन को मंगाया है। ये मैंने 2000 रुपये का अमेज़ोन से मंगाया है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसकी रेंज है, कैसे ये काम करता है, कितनी वॉइस क्लियरिटी है इसमें और ये बेस्ट बजट माइक्रोफोन है या नहीं। तो चलिए चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। दोस्तों ये है बॉक्स इस वायरलेस माइक्रोफोन का और यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है K8 और यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस माइक्रोफोन और सामने की तरफ ये पिक दी हुई है इस वायरलेस माइक्रोफोन की। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको लाइव शो में या इंटरव्यू में या किसी भी शॉर्ट व्लॉग वीडियो में आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और इसकी साइड में अगर आप देखें तो सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ भी। और पीछे की तरफ अगर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि इसको डायरेक्ट आप प्लग करके प्ले कर सकते हैं मोबाइल में, किसी और सेटिंग या ऐप की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो रेंज है वो 20 मीटर्स की बताई गई है इसमें और ये वाइडली कंपेटेबल है, हाईली सेंसिटिव है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी तो हम इसको यूज़ करेंगे तब ज़्यादा एग्जैक्ट हमें पता पड़ पाएगा। और दोस्तों इसमें जो रिसीवर दिया है वो टाइप सी और आईफोन दोनों को सपोर्ट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें पांच चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली है ये टाइप सी केबल, जिससे कि हम अपने इस रिसीवर को चार्ज करेंगे। और दूसरा है ये 8-पिन कनेक्टर, जो कि आईफोन्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो है ये टाइप सी रिसीवर, जो कि एक माइक है हमारा। और यहाँ सामने की तरफ देखो तो यहाँ पे कवर देखने को मिलता है और यहाँ पे देखें तो एक LED लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से कि इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगी और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लग जाएगी। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे क्लिप दी हुई है इसको होल्ड करने के लिए कपड़े पे। और चौथी जो चीज़ है ये पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, जिससे कि आप इस रिसीवर को चार्ज करेंगे। और चौथी जो चीज़ दी हुई है इसमें वो है ये ट्रांसमीटर। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें आपको इसको चार्ज नहीं करना है, इसको डायरेक्ट प्लग इन करेंगे आप अपने मोबाइल पे और इसी से ये पावर ले लेगा और ऑन हो जाएगा अपने आप। और पांचवी जो चीज़ है वो है ये यूज़र मैनुअल, जिसमें कि पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे इसको यूज़ करना है। और दोस्तों हम बात करें इसकी क्वालिटी, तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये लग रहा है। छोटा सा है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन इसकी की हुई है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत छोटा है, इजी टू कैरी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और अब इसको ऑन करके और मोबाइल में चेक करके इसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। पहले मैं इसको ऑन करके और कनेक्ट करके आपको अपने मोबाइल में इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको पहले अपने आईफोन में कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले हमें ये 8-पिन कनेक्टर इसमें लगाना होगा, इसी के थ्रू ये जो ट्रांसमीटर है वो इसमें कनेक्ट होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट है, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें कनेक्ट हो गया है। अब जब मैं रिसीवर को ऑन करूँगा तो ये ब्लिंक होना लाइट बंद हो जाएगी, कंटिन्यूस चालू रहेगी। तो दोस्तों अब हम अपने इस रिसीवर को ऑन कर लेते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगी और जैसे ही इसको मैंने ऑन किया आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइट थी ये ब्लिंक होना बंद हो गया, इसका मतलब कि ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है और कितनी क्लियर है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे वो इस माइक्रोफोन के थ्रू उसमें वॉइस होगी, आइए देखते हैं। दोस्तों अब जो वॉइस सुन रहे हैं वो इस वायरलेस माइक्रोफोन की है और मैं वहाँ एंड तक अब जाता हूँ और देखते हैं कि इसकी जो रेंज है वो कितनी दूर तक है और वहाँ तक चल रहा है कि नहीं, या अगर इसकी वहाँ तक वॉइस क्वालिटी जो है इसकी क्लियर आ रही है कि नहीं। बाकी देखने में और यूज़ करने में काफ़ी इजी लग रहा है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बहुत इजी टू यूज़ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ और वॉइस आप देख ही लेंगे वीडियो में कि इसकी कैसी आ रही है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, अब इसकी वॉइस चेक करके देखते हैं कि कितना सही और क्लियर है ये, और चेक करके और मैं भी आपको बताता हूँ
कि कितना ही क्लियर है और ये लेने लायक है या नहीं। दोस्तों इस माइक के थ्रू जो मैंने वीडियो बनाया उसमें वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लियर है, नॉइस रिडक्शन भी बहुत अच्छा है। दोस्तों मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, कम बजट में बहुत ही बढ़िया वायरलेस माइक्रोफोन है ये। और आप लोगों को भी अगर परचेस करना हो तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आज का वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।